कहा डेरा जी टिशा डेरा जी, आपको टिकट मिला है तो आने वाले जो युवा राजनीति है उसको कैसे परिवर्तन करेंगे आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी टिकट मिला नहीं है, मैं अभी टॉप 10 में कंसीडर हूँ जी। आज हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय, आपको टिकट मिलता है तो आप कौन से चेंजेस करेंगे, कौन से परिवर्तन लाएंगे यूथ के लिए? हम यूथ के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन ये लाएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नए हॉस्टल बनवाएंगे। बहुत से लोग, बहुत भारत के अंदर से बहुत से हिस्सों में से लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ, बहुत से लोग गरीब तबके के होते हैं और वो यहाँ आकर 10,000-20,000 का पीजी लेकर रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला, हमारा सबसे पहली मांग ये रहेगी दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद, डूसू में आने के बाद, कि हम सबसे पहले हॉस्टल बनवाएं। उसके बाद हम ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस का भी एक मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, इतना एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, उसके लिए हम ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस का मुद्दा उठाएंगे। तुषार जी, SC ST OBC के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें 85% बहुजन समाज के लोगों को बोला जाता है, उनकी पढ़ाई के लिए आप क्या उसमें योगदान करेंगे, किस तरीके का सहयोग करेंगे, किस तरीके से आगे उन बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, क्या नेतृत्व रहेगा, वो रणनीति का बताएं भाई साहब। इसके अंदर जब 85% आप कह रहे हैं OBC, वो OBC कट ऑफ की अलग से निकल जाती है, OBC की अलग, जनरल की अलग, अब तो जनरल के लिए भी EWS आ चुका है। EWS के अंदर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 50 स्टूडेंट को फ्री स्कॉलरशिप दी थी इस साल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहली प्राथमिकता ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाई मिले, शिक्षा प्राप्त हो। तुषार जी, जब भी कोई यूथ का काम आता है तो युवा भी उसके अंदर अपने स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट बदल देते हैं, इसका क्या कारण रहता है और आप इस तरीके से नहीं करेंगे, इसका क्या वो है? भाई साहब, ऐसा है, युवाओं से हमारा देश चल रहा है युवाओं से हमारा देश चल रहा है और युवा ही हमारा देश चलाते हैं, युवा कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।